बाजार ने दिवाली को नई रौनक तो दी लेकिन पुरानी चमक छीन ली है। भारतीय संस्कृति का कोई भी पर्व हो वह कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है। शरद ऋतु में पड़ने वाला रोशनी का पर्व दीपावली का त्योहार एक बार फिर नए उमंग व उत्साह को लेकर आया है। यूं तो देश का यह सबसे प्राचीन त्योहार माना जाता है पर समय के हिसाब से इस त्योहार में भी काफी परिवर्तन आ गए हैं तथा व शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम जब अहंकार के रावण को मारकर 14 वर्ष के वनवास को पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे तो उनके वापसी के उपलक्ष्य में खुशी के दिए जलाए गए थे, तभी से दीपावली का शुभारंभ माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को मनाने की अपनी विधा है। गांवों में लोग इस दिन घी के दिए जलाकर माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। मान्यता के हिसाब से इस त्योहार पर अधिकतर लोग अपने अंदर व्याप्त किसी न किसी बुराई को त्यागने का संकल्प लेते हैं। यह सब मान्यता की बात है लेकिन सच्चाई पर बात करें तो आधुनिकता के रंग में यह त्योहार इतना रंग गया है कि अपना मूल रूप ही खो चुका है। इस पर्व पर साल भर में कम से कम एक बार इस दिन लोग अपने घरों व आसपास की सफाई करते थे जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता था। अब न कच्चे घर रहे और न ही वो परंपराएं बची हैं। घरों की लिपाई पुताई से चूनाकारी होते हुए अब पेंट होने लगे हैं जो एक बार लगाने से कई वर्षों तक चलते हैं। इससे इस त्योहार में जो नयापन दिखता था वह कहीं गुम सा नजर आ रहा है। घी के दीयों की जगह अब चाइनीज झालरों ने ले ली है। वैसे परंपराएं केवल गांवों में बची थीं, लेकिन देखते ही देखते गांव खत्म हुए तो परंपराएं व मान्यताएं भी टूट गईं। सभी ने अपने हिसाब से त्योहारों को अपने में ढाल लिया। शायद यही वजह है कि रोशनी के इस पर्व में पहले जैसी रौनक नहीं दिखती।